नमस्कार, इंडिया ट्रैप न्यूज में आपका स्वागत है। नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य बोले कि क्षेत्र का विकास ही लक्ष्य। बलिया जिला वार्ड नंबर 53 से जिला पंचायत सदस्य नव निर्वाचित किरण देवी पत्नी परमेश्वर प्रधान हुए। आपको बता दें कि बहुमत से नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य किरण देवी पत्नी रामेश्वर प्रधान की जीत हुई है। जिला पंचायत सदस्य नव निर्वाचित किरण देवी पत्नी रामेश्वर प्रधान ने बताया कि अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान होगी। गांव की जनता ने जिस विश्वास पर आशीर्वाद प्रदान किया है, उस भरोसे पर खरा उतरेंगे। जिला पंचायत सदस्य नव निर्वाचित किरण देवी पत्नी परमेश्वर प्रधान ने कहा कि गांव का विकास ही मेरा मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए हर संभव कोशिश रहेगी। ईमानदारी के साथ सरकारी योजनाओं को पात्रों तक पहुँचाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। मैं भरोसा प्रधान समाजवादी पार्टी बलिया से वार्ड नंबर 53 के जिला पंचायत के प्रत्याशी से जो पत्नी हमारी किरण जीती है जी। जिला पंचायत सदस्य खड़े थे आपकी पत्नी, तो बहुमत से जीत हुई है। कितने वोटों जीत हुई है? जीत तो हमको दो तो पाए हैं 15,900, बाकी जीत हुई है 10,950 जीत हुई है हमारी जी। इस जीत पर अपनी क्षेत्र के जनता के लिए क्या बताना चाहेंगे, किस तरह आप काम करना चाहेंगे, क्या मोटो है? देखिए, और आपकी पार्टी भी जिले में नंबर वन भी अभी चल रही है। देखिए, राजनीति कोई बनिए की दुकान नहीं है। राजनीति जनता को जनता में रहने का तरीका है। दुख में, सुख में, आग में, पानी में, कीर्तन में, मिलाद में, टूर्नामेंट में, कबड्डी में हम रहा करते थे, रहेंगे। जनता आपसे पैसा नहीं मांग रही है। जनता ये कह रही है कि हमारी दुश्मन रही है, वो भी आग की प्रवचन लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए जनता उन लोगों को लगा दे रही है जी। आपको इस भारी जीत के लिए क्षेत्र की जनता के लिए क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देंगे? आपके द्वारा कोई विचार है जो उनको बताएंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, समाजवादी पार्टी कभी झूठ नहीं बोलती है। जो कहती है करती है दिखाती है, उसी का एक अंग परमेश्वर प्रधान, जो कहते हैं करते हैं। और जितने भी विकास देख रहे हैं आप, बलिया से प्रदेश तक समाजवादी पार्टी भी विकास दिख रहा है और दिखेगा। और हमारे में छोटा मोटा मालिक का करता, समाजवादी पार्टी का करता हूँ। लोग कहते थे इसके बाद तीन प्रत्याशी चुना गया, कोई प्रत्याशी क्षेत्र में वार्ड में नहीं आया। तो मैंने भी वादा कर दिया है कि मैं मुर्गा बन के लोगों को जगाऊंगा जी। जानना चाहते हैं जिस वार्ड में आप हैं, उस वार्ड में तमाम तरह कोई छोटी छोटी तमाम दिक्कतें आती रहती हैं, तो निशान किस आप करेंगे? देखिए, 2022 में रंग लाएगी आपकी पार्टी। देखिए, विकास की बात कर रहे हैं, इसे हमारे वार्ड में 17 ग्राम सभा आती है। आज भी स्टेडियम के अभाव के चलते बच्चे गांव में नहीं खेल पा रहे हैं। आज भी आज़ादी 2017 आज भी कुछ गांव में विद्यालय नहीं है, और विद्यालय है तो वहां पर 80% बच्चे नक्षर हैं। उस ग्राम सभा जो भी प्रधान है उस पर कोई रुचि नहीं लेता है, उसमें सुधारूंगा। देखिए, हम तो जो कहते हैं करते हैं। स्टेडियम के लिए हमारी निजी कोटा से बाले कि मैं बलिया के व्यापारी हूँ, अपने निजी कोटा से उसको बनाऊँ, स्टेडियम बनाएंगे बच्चों खेलने कूदने के लिए। और हमारा ध्येय है, लोग कहते हैं मन से गरीबों के पास सेवा है, मैं जो सेवा है अखबार में सेवा नहीं है, जमीन पर सेवा होता है, मैं सेवा करूँगा जी। क्या ये आपकी पार्टी 2022 में रंग लाएगी? आप देख ही रहे हैं जो प्रदेश तस्वीर उखड़ गया, ये देख ही रहे हैं इनकी जो वो की समाजवादी पार्टी जो कहती है करती है, और भाजपा वाला जो कुछ जो विकास कर उन लोग अखबार में लोक रहा है, हम लोग का जमीन पर लोक रहा है, जनता तुम लोग तुलना कर रही है। इसका मतलब 2022 में भी आपकी सरकार बनेगी? इसमें क्यों दो रहा, जनता तो समय जा कर रही है, क्योंकि जादुआ लोग हैं, मजाही लोग हैं, लोग कुछ करते नहीं हैं। हमारी पार्टी जो कहती है करती है।